नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ धान में जो कुछ बालियाँ निकलती हैं, कुछ फलियाँ होती हैं उनमें धान नहीं भर पाता और कुछ सूख जाती हैं, तो उनका मेन रीज़न दो तीन कारण रहते हैं आपके। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कुछ बीमारी लगी है या फिर आपने खेती करती बार कोई खाद या फिर कुछ कमी उनमें रह गई है तो उस कारण से जो है सूख गई हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हालाँकि एक मेन रीज़न तो सिंपल सा रहता है कि जब आपकी बाली निकल जाती है उसके बाद उसमें दूध भरना स्टार्ट हो जाता है, तो खेत को कभी सूखा ना रखें। एक तो दूध भरने में प्रॉब्लम आ जाएगी, पानी से ही सारा प्रोसेस चलता है, आपको पता है धान की फसल पानी पे ही होती है, और दूसरा ये कि उसमें चूहे लगने का ज़्यादा खतरा रहता है, तो घास फूस भी आसपास होगा तो उससे भी ज़्यादा चूहे लगेंगे। पानी खेत में नहीं होगा तो चूहा लगने का जो खतरा है वो ज़्यादा बना रहेगा, और चूहे आपको पता है कि धान को टूट के पड़ते हैं खाने के लिए, तो वो नीचे से कुतरना स्टार्ट कर देते हैं और वहीं पर अपने घर बना लेते हैं और पूरे के पूरे धान को खा जाते हैं लगभग, जिसमें आपको आधे से ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जिस तरह आपको वीडियो में दिख रहा है कि यहाँ पे चूहा लगा है, अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है अभी चूहे की, और ये बालियाँ अभी निकली हैं नई नई, तो इन पे अभी दूध भर रहा है, उसके बाद थोड़ा सा जैसे सख्त होने लगेगा दाना तो चूहा जो है और ज़्यादा लगेगा उसके बाद। तो इससे बचाव के लिए आप खेत में पानी हमेशा रखें भर के जितनी कोशिश हो सके। और दूसरा रीज़न रहता है कि जो आपके जो धान की बालियाँ होती हैं उनमें जब धान निकलना स्टार्ट होता है, फलियाँ निकलना स्टार्ट होती है, तो उस समय जो है कीड़े जो हैं उनका जो प्रकोप होता है वो ज़्यादा हो जाता है। आपको पता है जितनी ज़्यादा हरियाली होगी उतने ही कीट लगते हैं, बहुत सारे कीट लग जाते हैं, कुछ टिड्डे मकोड़े, उनका तो इतना इफेक्ट नहीं है, वो पतिया पुतिया खाते हैं, उनका कुछ इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। कुछ सुंडी टाइप या कुछ और होते हैं जो कि आपको पता है जिस तरह से आपको दिख रहा है इसके अंदर घुस जाते हैं, जैसे सुराख किया हुआ है तो अंदर सुंडी घुसी है इसमें, और अंदर से वो आपको दिख रहा है इसमें मल जो खा के निकालता है वो इंडनियों के अंदर आपको मिल जाएगा, तो इतना कोई ध्यान नहीं देता कि अंदर से जो इसकी फूड सप्लाई है, पानी है अंदर से पौधे को आता है, उसके अंदर कीट लगा है, अंदर गुजा घुस गया है, तो वो ज़्यादातर तभी घुसता है जब आपकी बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम जो है कीट इसमें ज़्यादा लगते हैं। और आपको पता ही है जैसे ही बालियाँ निकलते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा बाहर जो है पॉलन की तरह हल्की हल्की एक लड़की रहती है, तो उसमें जो है मक्खियाँ और कुछ अद और जो भी कीट आते हैं वो ज़्यादा उसमें बैठ जाते हैं और उसमें अंडे वगैरह दे देते हैं और कीट लग जाते हैं उसमें, तो उस समय आपको उससे या फिर उससे पहले ही आपको उसमें जो है एक या दो बार आप कोई भी लाइट जो है कीटनाशक की स्प्रे कर सकते हो। जिस तरह से आपको डाली के अंदर दिख रहा है इसमें कीट है, तो ये उसी टाइम का प्रकोप है जब बालियाँ निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, आपकी धान की फलियाँ निकलना स्टार्ट होती हैं, उस समय आप कोई भी हल्की स्प्रे ले सकते हो, बाज़ार में 100-150 की जो भी मिलती है उसको आप स्प्रे कर सकते हो इसमें। और अगर ज़्यादा कीड़ा आपका लगता है तो आप फिर सिस्टमिक जो इंसेक्टिसाइड्स मिलते हैं उनको आप कर सकते हो, कोरोजन हो गया आपका, फेम हो गया, उन तरह की जो थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं उस तरह के आप स्प्रे इसमें कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ ये चाहिए कि उस वक्त बारिश का मौसम ना हो, एक दो दिनों तक बारिश ना हो, उस समय आप कर सकते हो भर धूप में, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर बारिश का मौसम है तो आप कोई भी हल्की कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड का इसके ऊपर उपयोग कर सकते हो, जिससे कि आपको नुकसान होने से बच जाएगा। और अगर आपके खेत पे ये लग चुका है और अभी आपका जो है धान वो पूरी तरह से फूल चुका है, उसमें दूध भर चुका है, तो आपको कोई भी कीटनाशक स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, अब उसमें आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, कोई भी स्प्रे कर लो आप, जो कीट लग चुका है वो लग चुका है, उसके बाद अब आपका धान जो है वो पक जाएगा। तो इसी के साथ आप कम मूल्य समय देने के लिए बहुत